चलिए बाबू, अब हम लोग कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, जैसे ही आप वीडियो ऑन करेंगे तो वहाँ एक छोटा सा एरो दिया रहेगा, लाइक दिस, इस तरह का एक एरो रहता है, ठीक है। उस एरो को खोलिएगा, उसी उस एरो को खोलिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, ब्लू रंग का लिंक दिखेगा, उस लिंक को अगर आप कीजिएगा तो इस अभी तक जो पढ़ाया उसका डीपीपी मिलेगा, मींस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट होगा वो, ठीक है बाबू। मींस सीट्स रहेगा, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे और उस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। मींस आज से हम लोग सीट देना स्टार्ट करेंगे, उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, एटॉमिक मास पढ़ लिए थे, ठीक है बाबू। और मॉलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है, हम लोग सब चीज जान लिए थे, निकालना बहुत जरूरी है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड उसका कैलकुलेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं उसको क्योंकि ये मूल कॉन्सेप्ट में जरूरी है, मूल कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, उसमें यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटम, एटम किसको कहेंगे बाबू, देखिए एटम्स में क्या क्या होता है, तो यहां लिखेंगे हम लोग एटम्स। एटम के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलिए, एटम के बारे में क्या जानते हैं आप, देखिए ये क्या है, बोलिए, दिस इज एन एटम, ये क्या है एटम। एटम के अंदर इतना तो आप लोग जानते होंगे, एटम के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब दिस इज न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। चलिए, अब न्यूक्लियस में क्या रहता है, डिटेल में बात पढ़ाऊंगा, लेकिन न्यूक्लियस में क्या रहता है, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है बाबू, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सही है। चलिए, अब मैं आपको यह बता दूं, दिस इज द न्यूट्रॉन और ये आपका क्या हुआ, प्रोटॉन, ठीक है। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो अब मैं आपको बता देता हूं, न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल, क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगला देखेंगे, ये प्रोटॉन क्या हुआ, प्रोटॉन कौन सा चार्ज होगा, तो प्रोटॉन जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आप बता सकते हैं न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, तो देखिए बाबू, ये क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव, मींस इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो मेनली अगर न्यूट्रॉन पे न्यूक्लियस पे पूछा जाए तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, ये तो न्यूट्रल है और ये क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण। तो कभी भी आपको ये पूछा जा सकता है न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज ओनली ड्यू टू क्या होता है, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होगा वही उसका क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपका कौन सा चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे आपका कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुआ, ड्यू टू प्रोटॉन, ठीक है। अब क्या होता है, इसके चारों ओर क्या सर्कुलेट करते रहता है बाबू, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, तो अब बता सकते हैं न्यूक्लियस कौन सा चार्ज हुआ, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये आपका क्या हुआ, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, नाइन टेंथ से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है बाबू, निगेटिवली चार्ज्ड,
नेगेटिवली चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन, दिस इज न्यूट्रॉन एंड दिस इज द व्हाट्सअप न्यूक्लियस। और ये टोटल को जब हम लोग मिला देते हैं तब क्या कहलाता है? एटम। ये पूरा क्या हुआ? एटम। सही है। चलिए अब एटम कौन सा चार्ज होगा? तो बोला जाता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम क्या होगा? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। देखिए बाबू, एटम को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कहा जाता है। क्यों कहा जाता होगा न्यूट्रल? सोचिएगा, इसका मतलब न्यूट्रल कब होगा? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? सेम। मींस अगर एटम अगर न्यूट्रल है, एटम पे कोई चार्ज नहीं है, इन दैट केस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होगा? सेम। हाँ या ना? तो बताइए, पॉजिटिव चार्ज एटम में किसके पास होता है? प्रोटॉन पे। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर एटम, इफ एटम इज न्यूट्रल, तो इन दैट केस क्या होना चाहिए बाबू? बोलिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होगा? इक्वल। तभी एटम क्या होगा? न्यूट्रल। अदरवाइज एटम न्यूट्रल होने वाला नहीं है, न्यूट्रल होने वाला नहीं है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो एटम पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा और प्रोटॉन क्या चाहिए बाबू? कम। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया? नेगेटिव चार्ज। अगर ये दोनों बराबर होता है, इक्वल होगा, देन ओनली एटम इज न्यूट्रल। तभी एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। याद रखिएगा ये, ठीक है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। नोट इट। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या चीज, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कौन दिया था? तो अभी जस्ट जनरली हम लोग जान रहे बाबू कौन दिया था। तो ये गिवन बाय मोस्ले जी दिए थे। कौन दिए थे? मोस्ले। ठीक है, चलिए। तो एटॉमिक नंबर को पहले डिनोट कैसे करते हैं बाबू? डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर है क्या? तो कुछ नहीं, पीरियोडिक टेबल आप देखें बाबू, पीरियोडिक में दिख रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हो रहता है। तो सिंपल सा बात, अगर कोई पूछे तो एटॉमिक नंबर क्या है? इज द सीरियल नंबर ऑफ एटम इन पीरियोडिक टेबल, इज द सीरियल नंबर ऑफ एटम इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है बाबू, लेकिन इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते, मैंने क्या चीज होता है ये? द एटॉमिक नंबर जो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या चीज? प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो सबसे पहले आप लिखिए बाबू, लिखिएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज द सीरियल नंबर ऑफ, इज द सीरियल नंबर ऑफ एटम इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल एंड इट इज गिवन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस में बाबू, उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? आइए देखते हैं हम लोग, मिटाएं इसको। देखिएगा, मीन्स एटॉमिक नंबर जो होगा
इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या चीज, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन होता कहां पे है, न्यूक्लियस में। मींस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, पी। जेड इज इक्वल टू पी। ये जो है ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल का मतलब क्या हुआ, एटम पे कोई चार्ज हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज जेड इज इक्वल टू क्या होगा, पी। मींस अगर एटम पे कोई चार्ज है, इन दैट केस ऑल्सो एटॉमिक नंबर जो होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एक और होता है, दैट इज आप लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। ई क्या है बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ, मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सोचिए कब हो रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कब इक्वल होता था, याद है, जब एटम न्यूट्रल होता था। जब एटम न्यूट्रल होता है, इन दैट केस आप लिख सकते हैं प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। कब यूज करेंगे, व्हेन एटम इज न्यूट्रल। मीन्स एटम पे अगर कोई चार्ज नहीं है तब हम लोग यूज कर सकते हैं जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या चीज, ई। लेकिन ये जो फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू पी हमेशा एप्लीकेबल होता है। लेकिन मेनली हम लोग किसको यूज करते हैं, इसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एटॉमिक नंबर। अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास। नोट डाउन कर लीजिए इसको बाबू। चलिए बाबू, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है, कौन दिया था, गिवेन बाय सोडी थे, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। मीन्स कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है क्या, एटॉमिक मास क्या है बाबू, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। सही है, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, सबके कलेक्टिव मास को हम लोग कहते हैं क्या चीज, एटॉमिक मास। बाद में बताऊंगा इसी को क्यों कहते हैं हम लोग एटॉमिक मास, बस एक सुपरफिशियल पढ़ रहे हैं बाबू कि आगे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्यों नहीं लेते हैं एटॉमिक मास में, ठीक है, बाद में। चलिए लिखा जाए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, इज इक्वल टू सम ऑफ, सम का मतलब जोड़, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होगा उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, अब जैसे देखिए एटॉमिक मास क्या लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मीन्स ए इज इक्वल टू एन प्लस पी, एन प्लस पी। कभी कभी क्या बाबू, एटॉमिक मास नहीं देखे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिएगा, एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड
क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं इसको, क्या चीज, न्यूक्लियॉन्स। तो एटॉमिक मास नहीं लिख के आपको क्या लिख देगा, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ लिए एटम, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए एटम्स के बारे में, एटम्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, एटम्स के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसमें हम लोग देख रहे हैं, एटम्स में, ठीक है। फिर बाद में हम लोग मॉलिक्यूल्स में भी देखेंगे, आयंस में भी देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आइए देखते हैं, सबसे पहली बात आपको एटम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बोले थे आपको 20 तक याद रहना चाहिए, 20 तक होना ही चाहिए बाबू, अगर नहीं याद है प्रॉब्लम वाली बात है, अगर 20 के अबव याद है कोई नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 20 तक याद रहना चाहिए, ठीक है। आइए देखिए हम लोग बाबू, सबसे पहला देखते हैं हम लोग, पहला एग्जांपल ये सोडियम, सोडियम में आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बताइए, तो पहले मैं एक नोट यहां लिख लीजिएगा, पहले आप दिस इज द नोट, ये क्या है, दिस इज द एटम, दिस इज द एटम, एटम के बेस में क्या लिखा रहता है, जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर, और ऊपर में क्या लिखा रहेगा, दिस इज द मास नंबर, यहां भी लिख सकते हैं आप, यहां भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा देखने में ठीक लगता है, दूर दूर रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होता देखने में, ठीक है बाबू, यहां भी लिखा हुआ रहेगा बुक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं। This is the atomic number and this is the atomic mass. तो कभी भी जो नीचे में लिखा हुआ रहता है उसको atomic number लिखा जाता है और ऊपर में atomic mass. And this is the particle. Particle के base में atomic number और ऊपर में क्या चीज़, atomic mass. ठीक है? तो यहां दे दिया, आपको याद होना चाहिए 11 और क्या होता है 23. 11 and 23. अब इसमें आपसे पूछेगा electron, protons and neutrons निकालें. ठीक है, बहुत दीजिए, सबसे पहले बात बताओ बाबू, क्या इस सोडियम पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्ज, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसका मतलब एटम क्या है, न्यूट्रल, एटम पे कोई चार्ज नहीं है, और जब चार्ज नहीं होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या चीज, ई, हाँ या ना, बिल्कुल, एटम इज न्यूट्रल, जैसे ही न्यूट्रल हुआ तो जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई, सही है। तो चलिए अब बताइए जेड कितना है आपका, 11, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 11, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, 11। चलिए अब न्यूट्रॉन देखें बाबू, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, आइए, दिस इज द मास नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसका मास नंबर क्या है बाबू, देखिए एटॉमिक मास भी बोला जा सकता है या मास नंबर भी बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सही है। चलिए मास नंबर क्या है बाबू, 23। न्यूट्रॉन कितना है निकालना है आपको, और प्रोटॉन अभी जस्ट बोले क्या चीज, 11। तो न्यूट्रॉन कितना हुआ बाबू, 23 माइनस 11 हाउ मच, 12, आंसर क्या हुआ, 12, सही है, आराम है बाबू, या डायरेक्ट कहेंगे 23 माइनस 11 कितना हुआ, 12, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस का आप लोग निकालिए, चलिए देखते हैं, चलिए बाबू कैल्शियम आप लोग निकालिए जल्दी देखें,
कितना का निकालिए जल्दी। पहले पॉज कीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिए, पॉज कीजिए, बनाइए और उसके बाद चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए सोच रहे हो इतना इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? अब बताइए, इसमें भी एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बस ये आप देखिएगा, बहुत इजी। बोले इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, न्यूट्रल ही है बाबू, न्यूट्रल है तो यहां पे भी क्या होगा, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। चलिए क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 20, यहां भी क्या हुआ 20, और 40 माइनस 20 कितना हुआ 20। सभी को आना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, अब 40 माइनस 20 क्या हुआ न्यूट्रॉन। क्यों हुआ? क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां एटम क्या है न्यूट्रल, एटम पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा हम लोगों को, ठीक है। आइए अगला बाबू, 18 और 40 माइनस 18 कितना हुआ 22। ये बोलिएगा, 1 और क्या चीज 0, और ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। कितना आसान क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन को क्या कर दिया चेंज, बोला विच एटम कंटेन्स नो न्यूट्रॉन्स, वैसा कौन सा एटम है जो न्यूट्रॉन नहीं कंटेन करता है। तो बस बाबू हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जो न्यूट्रॉन नहीं कंटेन करता है, ठीक है। चलिए यहां बोलिएगा 5 5 एंड 6। अब इसमें बहुत सारा वेरिएबल क्वेश्चन होगा, बोले कहां पे न्यूट्रॉन ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है चार ऑप्शंस देकर, ठीक है। आइए देखें, बोले अब 6 6 एंड 6 देखिएगा, इलेक्ट्रॉन 17 17 एंड 35 माइनस 17 कितना हुआ वो 18। तो ये आपका हुआ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन कहां पर एटम्स। अब हम लोग देखेंगे आयंस, ठीक है बाबू, आयंस नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं क्या चीज आयंस, व्हाट इज आयंस, आयंस किसे कहते हैं। तो सब कुछ नहीं है, सोडियम पे देखे होंगे कभी पॉजिटिव चार्ज भी होता हो, सोडियम पे देखे होंगे कभी आप, सॉरी सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे आप देखे होंगे नेगेटिव चार्ज, तो वो उसी को कहते हैं आयंस। आयंस का मतलब होता है कि व्हेन एनी एटम कंटेन्स चार्ज, कोई भी एटम जब चार्ज कंटेन करता है दैट इज कॉल्ड क्या चीज आयंस, ठीक है। चलिए लिखा जाए बाबू आयंस, चार्ज ऑन एनी एटम फॉर्म्स फॉर्म्स एन आयन, एक साथ मत लिखना एन आयन, फॉर्म्स एन आयन। कभी भी कोई एटम पे अगर चार्ज आ गया तो उसी को कहेंगे हम लोग आयंस। अब आयंस बाबू सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे क्या चीज नेगेटिव चार्ज, दोनों का हम लोग का नेम भी क्या करना पड़ेगा अलग अलग करना पड़ेगा। तो आयंस इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन आयंस, ये दो टाइप्स का है, कौन कौन, एक है कहते हैं कटायन और दूसरा होता है एनायन, कटायन एंड एनायन। कटायन का मतलब क्या होगा, अगर एटम पे बाबू कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज तो उसको कहेंगे कटायन, और अगर एटम पे नेगेटिव चार्ज है तब उसको कहेंगे हम लोग एनायन, ठीक है। इसका मतलब कटायन में पहला पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड कटायन, मींस कटायन क्या है बाबू, पॉजिटिवली चार्ज्ड
एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, कटायन, और निगेटिव चार्ज है तो बाबू कॉल्ड एनायन। निगेटिवली चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड एनायन, सही है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, देखिएगा यहां पे केवल एक ही चीज का एक्सचेंज होता है बाबू, कोई भी कटायन या एनायन बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स बनता है, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मानिए एज लाइक अ पैसा, क्या है, मनी, क्या है, मनी। जैसे हम आपको 1 करोड़ रुपया दे दिए, कितना दे दिए, 1 करोड़ रुपया, तो बोलिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन मीन्स पैसा कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हो गया, और आपके पास क्या हुआ, ज्यादा, ठीक है। ओनली एक्सचेंज क्या चीज का हुआ, मनी का, क्या हुआ, मनी का। क्या मेरा नाम चेंज करने वाला है, क्या आपका नाम चेंज करेगा, क्या आप 1 करोड़ रुपया दे देंगे तो आपका नाम धीरू भाई अंबानी हो जाएगा, क्या नहीं होने वाला। क्या मेरा नाम चेंज हो जाएगा, नहीं, नेम वगैरह कुछ नहीं चेंज होगा, ओनली क्या हुआ, नंबर ऑफ पैसा, मीन्स पैसा क्या हुआ, चेंज हुआ, या पैसा ना क्या उसको कहेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, लेकिन नेम वगैरह में कोई चेंज नहीं हुआ। तो एटम का जो पहचान होता है वो किससे होता है, प्रोटॉन से, किससे, प्रोटॉन से, ठीक है बाबू। तो देखिए कभी भी कटायन और एनायन होगा तो वहां पे जो एक्सचेंज होता है ओनली ड्यू टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं करेगा, ना न्यूट्रॉन ना प्रोटॉन। तो कटायन में क्या होगा बता दो, नो चेंज इन, क्या चेंज, न्यूट्रॉन, और यहां पे भी क्या होगा, नो चेंज इन, क्या चीज, न्यूट्रॉन। ओनली क्या चीज का चेंज होता है, बस एक ही चीज याद रखना बाबू, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, चेंज होगा, ठीक है, डिक्रीज या क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां देखिएगा नो चेंज इन, क्या चीज, प्रोटॉन, और यहां पे भी क्या लिखेंगे, नो चेंज इन प्रोटॉन, ठीक है, नो चेंज इन प्रोटॉन। अब देखिए बाबू इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, प्लस का मतलब क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दे दिया, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया। इसको कहते हैं हिंदी में अगर बोलेंगे, इसको कहते हैं धन आयन, और इसको कहते हैं ऋण आयन। ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज, तो ये कर्ज लिए हुए है और ये कर्ज दिया है, जिसके पास ज्यादा धन होता है, पैसा होता है, वो पैसा देता है, और जिसके पास कम होता है वो क्या करेगा, लेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, मीन्स अगर बोला जाए तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और यहां पे बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज, और जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज। अगर यहां पे 1 प्लस चार्ज, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, अगर 2 प्लस चार्ज का मतलब बाबू 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, अगर यहां -1 है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लिया होगा, गेन किया होगा, ये लूज करेगा और ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये रहा आपका क्या चीज, आयंस। तो आयंस में बस एक ही चीज याद रखना बाबू, केवल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या होगा, चेंज करेगा, आइदर वो डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, आइए देखिए। आयंस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें देख रहे हैं हम लोग आयंस। देखिएगा
हम देखते हैं बाबू Na प्लस, और बोले आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालो, ठीक है। चलिए क्या चीज है, प्लस चार्ज, मत देखिए प्लस चार्ज है, कुछ मत देखिए बाबू, ठीक है। सिंपल सवाल, हम बोल रहे हैं इस पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं है तो ये मान लेते हैं क्या है, सोडियम है। क्या है ये, सोडियम, कोई चार्ज नहीं है इस पर, मान लिए। तो सोडियम का क्या होता है, 11 और क्या चीज, 23, अपने मन से लिख दिया 11 and 23। अब ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या होगा, सेम, हाँ है ना, बिल्कुल। तो यहां बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 11, प्रोटॉन भी कितना हुआ 11, और न्यूट्रॉन क्या हुआ 23 माइनस 11 कितना हुआ अब 12। ये कब कंडीशन था, जब एटम क्या था, न्यूट्रल, सही है। अब देखिए यहां पे कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस, प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो बोलिए प्लस वन है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा, तो यहां पे क्या कर देंगे माइनस वन, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्लस, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्सियम प्लस टू, देखिएगा आप कैल्सियम का एकदम न्यूट्रल लिख लीजिए, 20 और क्या होता है 40, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होगा बाबू, 20 20 एंड 20। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लस टू, प्लस टू का मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा, इसका मतलब क्या लिखेंगे, माइनस टू, हाउ मच, 18, जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहां लिख दिए ओ माइनस टू, इसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बताइए, तो आपको कुछ करना नहीं, इसका न्यूट्रल क्या होता है 8 और क्या चीज 16, पहले आप न्यूट्रॉन वाला निकाल लीजिए, बोलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एक बार बनाना सीख जाएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब बोलो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, अब 8, प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन भी क्या चीज 8, कब, जब न्यूट्रल था तब। अब माइनस टू का मतलब क्या किया होगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन किया होगा, प्लस का मतलब लूज और माइनस का मतलब गेन, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, टू, तो क्या लिखेंगे, प्लस टू, हाउ मच, 10, मींस यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, सही है। आइए एक और देख लेते हैं, एन माइनस थ्री, बोलो अब 7 and 14 क्या लिखेंगे, 7 7 and 7 इस बेसिस पे। अब यहां माइनस थ्री है, मीन्स तीन इलेक्ट्रॉन और क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल 10। तो ये आयंस का हुआ क्या चीज़, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो अब लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आएगा आपको, और मोर कॉन्सेप्ट में तो डेफिनेटली आता है ये, जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकाल पाएगा अब आगे प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH4, बोलेगा CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सही है, ठीक है। चलिए यहां पे कितने एलिमेंट है बाबू टोटल, चार, सॉरी कितने एलिमेंट है, दो, कितने एटम्स है, दो एटम्स, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। आइए देखते हैं, ये रहा आपका कार्बन 6 और क्या होता है 12, याद रखना चाहिए एटॉमिक नंबर बाबू, और एटॉमिक मास अप टू 20, नहीं याद है याद कर लीजिए। चलिए कार्बन 6 और 12, और यहां पे क्या है हाइड्रोजन 1 और 1, ठीक। पहले ये दोनों का क्या निकाल लीजिए बाबू, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आइए देखते हैं, देखिए यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चलो बोलो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6, प्रोटॉन
प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी क्या होगा 6 है बाबू। हाइड्रोजन में बोलिए 1 1 और 0। अब तो यहां तक आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब बताओ यहां पे कार्बन कितना था 1 और यहां हाइड्रोजन कितना था, कितना है 4। मींस अब इसको सभी से हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन में कितना है 1, तो 4 हाइड्रोजन में क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, अब 1 × कार्बन, एक कार्बन था और हाइड्रोजन कितना था बाबू 4 × हाइड्रोजन। एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स 6, तो यहां लिखेंगे 1 × 6। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास में क्या करते थे, मास में मास से मल्टीप्लाई कर देते थे, यहां कार्बन का मास क्या होता था 12 कर देते थे, यहां पे मास ना करके क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है बाबू 4 और एक हाइड्रोजन का मास क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितना है 1, टोटल क्या हुआ 6 + 4 इज इक्वल टू हाउ मच 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, प्रोटॉन 1 × कार्बन 4 × हाइड्रोजन, सेम वही रहेगा, ये तो सभी के लिए सेम है बाबू। चलिए प्रोटॉन कितना है बाबू कार्बन में 1 × 6, हाइड्रोजन 4 × 1, ये भी कितना हुआ टोटल 10 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स देखें 1 × कार्बन प्लस 4 × हाइड्रोजन, ये तो चेंज करने वाला नहीं है, सही है। चलिए बोलो कार्बन कितना है बाबू, कार्बन 1 1 × 6 4 × हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने हैं 0, हाउ मच 0, तो यहां क्या लिखोगे 0, कितना आ गया 6। कुछ नहीं करना है, पहले दोनों एटम को अलग अलग लिख लीजिए बाबू, दोनों एटम का क्या निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके बाद जितना एटम्स रहेगा उससे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, वही आपका क्या होगा आंसर, ये मॉलिक्यूल्स का हुआ। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, आइए देखें C6H12O6, बोल दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालिए, तो पहली बात कितना एटम्स है यहां पर 3, तो तीनों एटम का आप सेपरेटली क्या कर लीजिए बाबू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल लीजिए। चलिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, आप ऐसा कीजिए कि आप लोग खुद से पहले बनाइए बाबू और उसके बाद चेक कर लीजिएगा, इसका निकालना है तो पॉज कीजिए और निकालना स्टार्ट कीजिए और उसके साथ मेरे साथ चेक कर लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए कार्बन का क्या होता है 6 and 12 1 and 1 6 and sorry 8 and 16, सही है। बोलो इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6 6 6, हाइड्रोजन का बाबू 1 1 0 1 - 1 0, न्यूट्रॉन बोलो 8 8 और 8, ऑक्सीजन का। तो चलिए अब हम लोग सबका निकालते हैं, चलो पहले 6 × कार्बन है प्लस 12 × हाइड्रोजन है प्लस 6 × ऑक्सीजन, ये तो सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए क्या है कॉमन, यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू 6 × कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ऑक्सीजन में कितना है 8, जोड़ लो 36 + 12 + 48 कितना आएगा 60 और 36 96, बहुत ईजी है। चलिए यहां बोलो बाबू 6 × 6 + 12 × 1 12 हाइड्रोजन था प्लस 6 × 8, सेम वही चीज है, ठीक है। अगला देखिए न्यूट्रॉन
सिक्स इंटू कार्बन में न्यूट्रॉन कितना है? सिक्स, ठीक है, प्लस 12 इंटू क्या चीज? जीरो. इन हाइड्रोजन न्यूट्रॉन्स कितना है? जीरो. प्लस बोलेंगे 6 इंटू 8, ऐड कर लीजिए बाबू, इसी को कहेंगे. ठीक, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगर ऐसा आ गया तो बोलेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कभी भी आए बाबू, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस क्या कर दीजिएगा? न्यूट्रॉन्स. सबको क्या कर दीजिएगा? ऐड. तो आपको निकल जाएगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मींस यहां पे देखिए 96 96 जो भी है सब क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाएगा. जैसे एटम में कभी भी पूछ सकता है सोडियम 11 और क्या चीज? 23. अब बोलेगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो बोलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन कितना है? 11. प्रोटॉन्स कितना है? 11. और न्यूट्रॉन्स कितना है? 12. तो अगर पूछा जाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स तब बाबू, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 प्लस 11 प्लस 12 कितना हुआ? 22 और 12 34 34. ठीक है, तो चलिए ये हुआ मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब हम लोग देखें मॉलिक्यूलर आयंस का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन. नोट डाउन कर लीजिए इसको. चलिए अब देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन. सेम वही चीज है, मॉलिक्यूल में अगर आयन आ जाए तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर आयंस. जैसे हम एक एग्जांपल ले लिया आपको NH4+, और इसमें आपसे पूछ दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होगा. ठीक है, चलिए तो सिंपल सा बात सेम वही है बाबू. यहां नाइट्रोजन लिख दिया, यहां पे हाइड्रोजन. 7 and 14 1 and 1. चलिए एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. बोले इलेक्ट्रॉन कितना? 7. प्रोटॉन भी 7 और न्यूट्रॉन भी क्या चीज? 7. इलेक्ट्रॉन 1 1 और क्या चीज? 7. ठीक, चलिए यहां पे क्या हुआ बाबू? 1 इंटू नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. बोलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नाइट्रोजन में कितना है? 1 into 7 प्लस हाइड्रोजन में कितना है बाबू? 4 into 1. लेकिन यहां पे एक प्लस चार्ज भी है बाबू, तो ड्यू टू प्लस चार्ज देर विल बी ओनली चेंज इन क्या चीज? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ही में केवल चेंज होने वाला है. और ये प्लस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज और डिक्रीज. प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिक्रीज. यहां पे एक और कर दीजिए माइनस 1, और प्लस 2 रहता तो माइनस 2, प्लस 3 रहता तो माइनस 3. ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा. तो 7 plus 4 minus 1 हाउ मच? 10 ना. 10. प्रोटॉन बताइए 1 into 7 plus 4 into 1 कितना आएगा बाबू? 4 ना. कितना आएगा? 11. प्रोटॉन में कोई चेंज होने वाला नहीं है. न्यूट्रॉन देखेंगे 1 into 7 और 4 into 0 क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है? 0. कितना आएगा बाबू ये? 7. हाउ मच? 7. ठीक है, चलिए ये बना लिए. अब एक और बना के आप लोग दिखाइए. SO4-2. पॉज कीजिए और इसको बनाइए. देखिएगा सल्फर और ये ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 16 and 32 8 and 16 याद होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन कितना? 16 16 and 16 सही है. यहां बोलिएगा 8 8 and 8. तो बोलो मॉलिक्यूल्स में क्या है?
एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड क्या निकालना है आपको, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। चलिए कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा बाबू, 1 × 60 + 4 × 8, सही है। अब देखिए यहां माइनस टू है तो चेंज केवल क्या चीज में होगा, इलेक्ट्रॉन में। माइनस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। याद रखिएगा माइनस का मतलब ऐड करना है, प्लस का मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए प्लस क्या चीज, टू, तो क्या हुआ 16 + 32 + 2, जोड़ लीजिए। यहां बोलो 1 × 16 + 4 × 8, कोई चेंज नहीं होने वाला प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका हुआ मॉलिक्यूलर आयंस, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, अब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। पहले आप नोट डाउन कर दीजिए इसको। चलिए अब देखिए इजी क्वेश्चन, उतना ज्यादा भी इजी नहीं आएगा, लेकिन हां अब उसी क्वेश्चन को कुछ लैंग्वेज के फॉर्म में आपको दे देगा। अब बोलेगा बनाओ, तो हम लोग भी क्या करेंगे, बना लेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग हर चीज मालूम है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। बोला इन कार्बन 12, कार्बन का दो फॉर्म होता है 12 एंड 14, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे कार्बन 12 दिया, मीन्स एटॉमिक नंबर 6 और क्या होता है मास नंबर 12, ऊपर में लिखते हैं मास नंबर को। इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, मीन्स आपको दे दिया इंफॉर्मेशन है कार्बन 6 और क्या चीज 12, ये दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, मीन्स न्यूट्रॉन को डबल कर दिया गया, प्रोटॉन को हाफ कर दिया गया, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, और इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन न्यू एटम ऑफ कार्बन, जो न्यू एटम हुआ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करो, काउंट करो। तो सबसे पहले बाबू ये कार्बन 6 और क्या दे दिए 12, ठीक है। यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो दिया हुआ है 6 6 और 6, ये तो शुरुआत में था। अब क्या बोला, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड, अब देखिएगा न्यू, न्यू कार्बन में देखते हैं न्यूट्रॉन को क्या कर दिया गया, डबल्ड, न्यूट्रॉन को डबल्ड, मींस अब जो न्यूट्रॉन हुआ वो क्या हुआ 6 × 2, कितना हुआ बाबू 12, सही है। मास डबल इसका मतलब न्यूट्रॉन भी डबल हुआ। चलिए मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, प्रोटॉन पहले कितना था बाबू 6, अब क्या कर दिया गया 1/2, इसका मतलब कितना हो गया 3, मींस प्रोटॉन में कितना चेंज हुआ 6 का, न्यूट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन में 6 का, डबल हो गया, और इसमें 3 हो गया, हाफ हो गया। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, मींस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 6 × 2, हाउ मच 12. तो आपका जो न्यू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ, मींस पहला का आंसर क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 12, प्रोटॉन कितना हुआ 3 और न्यूट्रॉन कितना हुआ 12, फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड, कैलकुलेट द न्यू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, न्यू एटॉमिक मास, पहले इसका एटॉमिक मास क्या था वो बता दो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बराबर क्या होता है पहले बताइए, यहां देखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास याद रखिएगा हमेशा क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो चलिए ओल्ड वाला में क्या था, ओल्ड और न्यू दोनों देखते हैं, ये मान लेते हैं ओल्ड है और ये क्या है न्यू। ओल्ड में क्या था बाबू 6 + 6, हाउ मच 12, ठीक है। और न्यू में क्या होगा, यही ना है न्यूट्रॉन प्लस क्या चीज प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक मास में केवल न्यूट्रॉन और क्या होता है प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। तो चलिए न्यू में क्या हुआ बाबू
3 plus 12, how much? 15. Old में कितना था? 12, और new में कितना है? 15. ठीक है, तो हो गया कैलकुलेट द न्यू एटॉमिक मास ऑफ, ये भी हो गया। लास्ट में है थर्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, कितना चेंज हुआ, और आपको यह भी बताना है कि डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। तो देखिए बाबू, पहले कितना था? 12, अब कितना हुआ? 15। तो चेंज कितना हुआ? 3 का। लेकिन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हो गया, पहले 12 था अब कितना हो गया? 15। तो चेंज क्या हुआ बोलिएगा? चेंज 15 माइनस 12 कितना हुआ? 3। और ये क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? इंक्रीज। ठीक है, चलिए। लेकिन यहां पे एक चीज और बताया, दैट इज वो क्या बताना है आपको? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं परसेंटेज के बारे में बताता हूं, कभी भी परसेंटेज में आपको दिक्कत नहीं होगा, नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए परसेंटेज चेंज, कभी भी चेंज नहीं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एक तरबूज है, उसको 4 पार्ट्स में आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, और आपको एक पार्ट मिला। कितना पार्ट? 1 पार्ट मिला। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कितना पार्ट मिला, तो आप क्या बोलेंगे? 1/4। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? सिंपल सा बात पूछे पूछे कि आपको कितना फ्रैक्शन मिला। बाबू फ्रैक्शन का निकालने का तरीका है इंडिविजुअल बाय टोटल, मीन्स आपको जो मिला बाय टोटल, मीन्स आपको कितना फ्रैक्शन मिला? 1। अब बाय टोटल कितना हुआ? 4, मीन्स 1/4 फ्रैक्शन मिला आपको। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल बाय टोटल। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जब भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तो वही कर जाता है क्या चीज? परसेंटेज, मीन्स 1/4 × 100, इसका मतलब कितना मिला? 25%। सेम वही चीज है, कभी भी किसी चीज का परसेंटेज पूछे, तो जो चेंज हुआ है बाय टोटल, कोई भी चीज बाय चेंज बाय टोटल इंटू 100, कुछ नहीं करना है। परसेंटेज कैसे होता है देखिएगा, चेंज बाय टोटल इंटू 100। हमने जानते हैं टोटल क्या है, लेकिन यहां पे टोटल क्या है? मास। क्या है? मास। तो मास रख देंगे। तो बोलिए चेंज कितना है बाबू? टोटल क्या रख दिए? मास। चेंज कितना है? 3। और टोटल मास कितना है? टोटल कितना में चेंज हुआ था? कितना में चेंज हुआ था? चेंज ऐसे लिख दीजिए, 50 माइनस 12। इनिशियल क्या था? इनिशियल लिख लीजिए, इनिशियल मास। चेंज सभी भी निकलेगा, इनिशियल कितना था? 12 × 100। सही है, चलिए कितना हुआ वो? 3/12 × 100, हाउ मच? 25%। 25% से क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। सही है, नोट डाउन कर लीजिए बाबू। चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं बाबू हम लोग, ठीक है। बता दिए इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीपीपी मिलेगा, उसको जरूर बनाइएगा। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अभी तक जो भी जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, बना लीजिए। अभी क्वेश्चन दे दिया, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन X-2 इज 16, X-2 में कितना है बाबू? 16। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X+3, X+3 में नंबर ऑफ क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉज कीजिए, बना के देखिए बनता है या नहीं। चलिए मैं बताता हूं आंसर, सिंपल सा बात बाबू, X-2, प्रोटॉन कितना है? 16। सिंपल सा बात, सोचने वाली बात है कि प्लस और माइनस से इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं करेगा। क्या चेंज करेगा? नहीं, मींस इसका ओरिजिनल अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो कितना है? 16। बोले हाँ, है ना।
अगर x का पूछा जाए एटॉमिक नंबर क्या है तो बोल सकते हैं आप क्या चीज 16 बोल सकते हैं। इसका मतलब अब ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल के केस में क्या होगा, z इज इक्वल टू p इज इक्वल टू क्या चीज e, मींस इसका z कितना होगा 16, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 16। समझ में आया क्या बोला, x माइनस टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 16, सिंपल सा बात है 16 है, ठीक है। इसका मतलब वो प्रोटॉन है 16, प्रोटॉन 16 है। अब प्रोटॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, मींस हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे न्यूट्रल हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे क्या होगा नेगेटिव हो, सही है। तो चलिए, तो z बराबर p इज इक्वल टू e। अब आपसे पूछा x प्लस क्या चीज 3, x प्लस 3। अब पूछा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो बाबू देखो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले न्यूट्रल में कितना था 16, अब माइनस क्या कर दो 3, हाउ मच 30, कितना 30। इजी क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं पलट दूं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x माइनस टू इज 16, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x माइनस टू। x माइनस टू में क्या करिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालिए, सही है। देखिए x माइनस टू में इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू 16, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये जो है दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कितना किया होगा 16, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल रहता, न्यूट्रल, तो यहां पे क्या होता बाबू, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 14 होता, तभी तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना हुआ 16 हुआ। अगर ये न्यूट्रल है, इन केस ऑफ न्यूट्रल प्रोटॉन भी कितना होगा 14, हाँ या ना, ये न्यूट्रल आ गया। न्यूट्रल में क्या होता है, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या चीज ई, मींस अगर आप न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वही उसका क्या होगा प्रोटॉन, वही उसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। कुछ भी बात से पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन बना बना के आपको पूछा जा सकता है। मैं भी ऐसा क्वेश्चन दूंगा बाबू, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और बढ़िया से पढ़िए। अब हम लोग का धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, पहले तो केवल इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, ये सभी इंट्रोडक्शन ही है, हो सकता है 9th 10th में कुछ पढ़े भी होंगे आप, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।